वेलकम दोस्तों। तो हम लोग देखने वाले हैं आज ग्रेटेस्ट चेस गेम जो किसी इंसान ने अब तक खेला है। तो ये गेम किसने खेला था? 13th वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव, जिन्हें हम लोग ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर भी कह सकते हैं। तो कैस्परोव ने इस मैच से पहले 2 साल पहले जो IBM का सुपर कंप्यूटर था डीप ब्लू, उससे एक मैच हारा था और उनकी रेटिंग कुछ गिर गई थी और वो काफी पॉपुलर हुआ था। तो कुछ टाइम के लिए सीरियस चेस से कैस्परोव हट गए थे, वो टूर्नामेंट वगैरह नहीं खेल रहे थे। तो ये गेम कह सकते हैं कैस्परोव का एक जवाब भी था, जब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या कैस्परोव का टाइम खत्म हो गया। तो ये मैच उन्होंने 1999 वाइकांजी में खेला था। तो ग्रेटेस्ट गेम की शुरुआत हुई E4, और यहाँ पर सबको सरप्राइज कर दिया टोपालोव ने। उन्होंने कुछ अनयूजुअल खेला D6 पिक डिफेंस। तो ये आइडिया था टोपालोव का कि कुछ नया खेला जाए, कस्पारो की प्रिपरेशन में ना पड़ा जाए। तो यहाँ पर काफी प्रिंसिपल तरीके से कस्पारो ने रिप्लाई किया D4, नाइट F6, नाइट C3, G6, बिशप E3, बिशप G7, क्वीन D2 और यहाँ पर है C6। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं फीन केटो बिशप का फिर D6, ये सेम किंग्स इंडियन डिफेंस में होता है, बस वहां पे जो है ये C4 पॉन आगे होता है। तो यहाँ पर F3 खेला कस्पारो ने, इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए और इस नाइट का जंप रोकते हुए। यहाँ पर क्योंकि कस्पारोव का आइडिया लॉन्ग कैसल करने का, इसीलिए टोपालोव ने खेला B5, नाइट GE2, नाइट BD7, बिशप H6। ये थोड़ा जल्दी था क्योंकि आपको वेट करना चाहिए ब्लैक को कैसल करने। यहाँ पे है बिशप कैप्चर्स H6, क्वीन कैप्चर्स H6 और देखिए आपकी क्वीन बोर्ड के साइड पर है। तो यहाँ पे टोपालोव ने कहा यार इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, चलो क्वीन साइड कैसल करते हैं। तो यहाँ खेला गया बिशप B7, A3, E5 और यहाँ पे कैसल किया लॉन्ग कस्पारोव ने, क्वीन E7 तैयारी करते हुए लॉन्ग कैसल की। तो यहाँ पे कस्पारोव ने पहले खेला किंग B1, अपने किंग को सेफ करते हुए इस डेंजरस डायगनल से हटाते हुए A6, इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए कि जब भी D5 वगैरह खेला जाए तो पॉन कैप्चर के बाद ये पॉन फ्री रहे कैप्चर करने को, क्योंकि A6 का पॉन इस B5 के पॉन को प्रोटेक्ट करें। नाइट C1, अब देखिए कस्पारोव का आइडिया है कि इस नाइट को यहाँ से A5 पे ले जाया जाए, G3 खेला जाए क्योंकि ये डायगनल ओपन है और जब ये कैप्चर हो जाए तो क्वीन को F4 स्क्वायर पे रखा जाए। तो यहाँ पे लॉन्ग कैसल हुआ, नाइट B3, ई कैप्चर्स D4, रुक कैप्चर्स D4 और C5। तो यहाँ पे रुक वापस है, रुक D1, नाइट B6 और G3, बिशप H3 प्रिपेयर करते हुए। तो यहाँ पर आए किंग B8, नाइट A5, इस बिशप को अटैक करते हुए बिशप A8 और बिशप H3, D5, जैसा हम वेट कर रहे थे सेंटर में अटैक करने का। यहाँ पे कस्पारो निकला क्वीन F4 चेक, किंग A7 और रुक H1 के बाद कस्पारो ने अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किया। और यहाँ पर कस्पारो ने एक आइडिया सोचा, यहाँ पर क्योंकि खेला गया D4, इस नाइट को अटैक करते हुए और यहाँ पर है नाइट D5, नाइट कैप्चर्स D5 और ई कैप्चर्स D5 और यहाँ पर है क्वीन D6। और अगला मूव जो कस्पारो ने खेला थोड़ा सा इनएक्यूरेट था, लेकिन वही रीजन है जिसके लिए इस गेम को ग्रेटेस्ट गेम कहा जाता है। और वो क्या है, यहाँ पर आया रुक कैप्चर्स D4। तो जो कि गेम में खेला गया कौन से कैप्चर हुआ उसको जाने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेस्ट मूव क्या है। देखिए यहाँ पे बेस्ट मूव है आप खेलें किंग B6, नाइट अटैक करें और रुक, ठीक। इसके बाद देखिए आप रुक तो सेव करेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग खेलेंगे B4। यहाँ पे रुक कैप्चर किया नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन कैप्चर विनिंग है। तो यहाँ पे आ सकता है क्वीन कैप्चर्स F4, रुक कैप्चर्स F4, नाइट कैप्चर्स D5, रुक पे अटैक होगा, रुक कैप्चर करेगा और पॉन ट्रेड होगा, फिर नाइट कैप्चर, नाइट B3 और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये हार्मोनियस रहता, दोनों प्लेयर लगभग ड्रॉ ही करते गेम क्योंकि ज़्यादा डायनेमिक नहीं है पोजीशन ये। लेकिन रुक कैप्चर्स D4 के बाद टोपालोव ने खेला सी कैप्चर्स D4 और अब आप चाहते हो तो वीडियो पॉज कर सोचिए कि नेक्स्ट मूव क्या खेला कस्पारोव ने। और देखिए एक ही मूव नहीं, आने वाले सीरीज ऑफ ऐसे मूव हैं जिसको देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे कस्पारो ने खेला रुक E7 चेक,
मतलब एक रुक सेक्रीफाइस हुआ उसके बाद ये आइडिया क्या है, अगर क्वीन कैप्चर्स रुक तो यहाँ पे सिंपली मेट इन फोर है, क्वीन कैप्चर्स डी फोर चेक, किंग पीछे जाएगा, क्वीन बी सिक्स चेक है, क्वीन आएगी तो ये नाइट सी सिक्स मेट है, और अगर बिशप आएगा तो नाइट सी सिक्स चेक, देखिए ये बिशप कंट्रोल कर रहा है ये स्क्वायर, किंग ए एट और क्वीन ए सेवन मेट, तो यहाँ पे रुक ई सेवन के बाद इसको टच नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर खेला गया किंग बी सिक्स, आप पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि क्वीन कैप्चर्स डी फोर आ रहा है, यहाँ पे खेला गया क्वीन कैप्चर्स डी फोर चेक, और यहाँ पर देखिए अगर आप खेलते हैं एक लाइन जो कि हुआ नहीं और ये सब कैलकुलेटेड है, यहाँ पे अगर आप खेलते हैं क्वीन सी फाइव तो क्वीन कैप्चर्स एफ सिक्स चेक आएगा, और यहाँ पे क्वीन डी सिक्स के बाद रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर खेलेंगे क्वीन डी सिक्स वगैरह तो यहाँ पे देखिए शानदार मूव है, मतलब एक और मूव बिशप ई सिक्स, देखिए ये मूव कंप्लीटली विनिंग है क्योंकि अगर आप कैप्चर करेंगे तो रुक कैप्चर ये पिन कर देगा और हम लोग जीत जाएंगे, तो देखिए इस पोजीशन में एक बार फिर देखते हैं बिशप ई सिक्स विनिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वीन डी फोर चेक के बाद टोपालोव ने खेला किंग कैप्चर्स ए फाइव, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यहाँ पे देखिए पहले खेला गया बी फोर चेक और यहाँ पर आया किंग ए फोर, और देखिए दो आइडिया हो सकता है, आप रुक को यहाँ ले जाएं और फिर यहाँ से चेकमेट करें या तो फिर क्वीन को बी थ्री पे, देखिए जो बेस्ट होता वो होता रुक ए सेवन, अगर यहाँ पे आप नाइट कैप्चर्स डी फाइव खेलेंगे तो यहाँ पे रुक कैप्चर्स ए सिक्स चेक, क्वीन कैप्चर्स ए सिक्स, और यहाँ पे सिंपली आएगा क्वीन बी टू मेट थ्रेटन करते हुए, आप गिव अप करेंगे नाइट सी थ्री चेक, क्वीन कैप्चर्स नाइट, यहाँ पे आप खेलेंगे बिशप डी फाइव, ये स्क्वायर कंट्रोल करते हुए, और ब्लैक को लगेगा यार चेकमेट तो रुक गया है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है शानदार मूव किंग बी टू, आप कुछ भी खेलिए रुक सी एट वगैरह, सिंपली क्वीन बी थ्री बिशप कैप्चर्स और सी कैप्चर्स बी थ्री मेट, ये मेट आप देखिए जो हुआ नहीं लेकिन एक कैलकुलेटेड था, कितना ब्रिलियंट है, देखिए पूरी आर्मी खत्म है, बस एक बिशप है और ये पॉन चेकमेट कर रहा है इस ब्लैक किंग को, लेकिन गेम में हुआ क्वीन सी थ्री, और आइडिया है कि हम लोग क्वीन बी थ्री मेट कर रहे हैं, तो यहां पर खेला गया क्वीन कैप्चर्स डी फाइव, ये स्क्वायर कंट्रोल करते हुए, और यहां पर देखिए अगर अभी आप वो साइड एक ले जाएंगे तो यहां पे सिंपली ब्लैक जीत जाएगा क्वीन डी फोर, और ये पिन हो गया है कैप्चर कैप्चर, और ब्लैक बहुत मटीरियली अप है और इस किंग को चेकमेट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पर कस्पारो ने खेला रुक ए सेवन, अब यहाँ से भी चेकमेट आ रहा है, अब आप देखिए अगर यहाँ पे खेलते हैं रुक डी सिक्स तो यहाँ पे अब क्या मूव आ रहा है क्वीन बी टू, अगर आप अब आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स डी फोर, फिर अगर रुक कैप्चर करेगा तो यहाँ पे रुक कैप्चर्स ए सिक्स मेट है, तो ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे खेला गया बिशप बी सेवन इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए, तो यहाँ पे कस्पारो ने कैप्चर किया, अभी भी देखिए आप रुक कैप्चर नहीं कर सकते, क्वीन बी थ्री मेट है, यहाँ पे खेला गया क्वीन सी फोर ट्रेड करने की कोशिश करते हुए, अगर ट्रेड हो जाती है क्वीन तो टोपालोव तो विनिंग ही है, काफी मटीरियली अप है वो, लेकिन कस्पारो ने डिनाई किया ट्रेड और खेला क्वीन कैप्चर्स एफ सिक्स, अब चेकमेट यहाँ से थ्रेटन हो रहा है, और अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप रुक डी वन चेक वगैरह देंगे तो यहाँ पे किंग बी टू के बाद आप अगर आप ये सोच रहे हैं क्वीन ट्रेड करेंगे क्वीन कैप्चर्स डी फोर रुक कैप्चर्स डी फोर, यहाँ पे आ रहा है रुक कैप्चर्स एफ सेवन, यहाँ पे आप खेलते हैं लेट्स से रुक डी सिक्स, यहाँ पे रुक डी सेवन रुक कैप्चर्स रुक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मूव है, हम लोग रुक कैप्चर नहीं करेंगे बिशप ई सिक्स, ये चेकमेट थ्रेटन करते हुए, यहाँ पे ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा एक मूव डिले कर सकता है बिशप कैप्चर्स रुक, और ये चेकमेट आप कुछ भी खेलिए बिशप बी थ्री मेट है, मतलब ये इतनी गजब की पोजीशन है, इसीलिए क्वीन एफ सिक्स के बाद टोपालोव ने खेला किंग कैप्चर्स ए थ्री, लेकिन देखिए ये पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो काफ़ी वेरिएशन ऐसे आए, और यहाँ पे आया क्वीन कैप्चर्स ए सिक्स चेक, यहाँ पे आया किंग कैप्चर्स बी फोर, और यहाँ पर टोपालो ने कहा कि उन्होंने यहाँ तक पोजीशन कैलकुलेट किया था और उन्हें लगा था यार यहाँ से मैं जीत जाऊँगा क्योंकि
सारे मूव आप देखिए, चेक वगैरह कुछ आ नहीं रहा और यहाँ से मैं मटीरियली अप हूँ। लेकिन एक मूव जो टपालव ने मिस किया वो था C3, और ये ओनली मूव है जो यहाँ विनिंग है। अगर आप देखिए क्वीन से कैप्चर करते हैं तो क्वीन B5, यहाँ आप किंग A3 जाएंगे, रुक A7, क्वीन A5 और रुक कैप्चर्स A5 मेट है। तो यहाँ पे क्वीन से कैप्चर नहीं किया जा सकता, तो ओनली मूव है आप किंग से कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे आया क्वीन A1 चेक और यहाँ पर खेला गया किंग D2। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे इस पूरे कॉम्बिनेशन में, ये रुक ऑन A8। अगर ये रुक कहीं भी और होता H8 के अलावा तो ये सेक्रीफाइस D4 का वर्क ही नहीं करता। यहाँ पे खेला गया क्वीन B2 चेक, यहाँ पर आया किंग D1 और यहाँ पर देखिए फिर ये सब मूव बोर्ड पे खेला जा रहा है। यहाँ पे देखिए ओनली विनिंग मूव जो कस्पारो ने खेला, एक बार स्लोली देखते हैं, बिशप F1, मतलब ये क्या है। देखिए अगर आपको अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अगर ये चेस मैच देखे तो मैं और कोई दूसरा चेस मैच आपको दिखाई नहीं सकता। बिशप F1 अगर आप कैप्चर करते हैं तो सिंपली ऑन द स्पॉट क्वीन C2 चेक, किंग E8 और यहाँ पे रुक E7, क्वीन E2 और क्वीन कैप्चर्स E2 मेट। ये किंग यहाँ था और अब वो यहाँ चेकमेट होगा। देखिए क्या खेल रहे हैं कस्पारो, यहाँ पर इसीलिए खेला गया रुक D2 कहते हुए कि अगर क्वीन कैप्चर होगा तो रुक कैप्चर के बाद हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पोजीशन। लेकिन यहाँ पर आया कमाल का मूव, और यहाँ तक अभी रेडिट में मैंने आर्टिकल हाल ही में चेस बेस में पढ़ा था, तो उस आर्टिकल में निकला था कि कस्पारो से किसी ने पूछा था कि क्या आपने जो टोपालो के अगेंस्ट 1999 में जो मैच खेला था उसमें आपने उतनी लाइन कैलकुलेट की थी। तो कस्पारो ने आंसर किया कि मैंने यहाँ तक जो ये पोजीशन देख रहे हैं उसमें जो अगला मूव खेला वहां तक उन्होंने कैलकुलेट किया था। हाँ थोड़ी बहुत बारीकियां नहीं, लेकिन रुक कैप्चर्स D4 खेलने के बाद, मतलब पहले कस्पारो ने सब कुछ यहाँ तक देखा है। ये आप सोचिए किस लेवल का कैलकुलेशन है। यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया था रुक D7 और ये कमाल का यही मूव है जो आपको जिता रहा है। देखिए आप क्या खेलेंगे, क्योंकि आप क्वीन कैप्चर कर नहीं सकती, ये पिंड है। तो यहाँ पर आया रुक कैप्चर्स D7, आप और कुछ खेल ही नहीं सकते। बिशप कैप्चर C4 और देखिए होल पॉइंट, जिसलिए रुक कैप्चर्स D4 में मैं कह रहा हूँ कि रुक यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिशप कैप्चर के बाद रुक कैप्चर्स H8 आया और यहाँ तक कैलकुलेशन है। देखिए क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के लिए ये रुक कहीं और है, ठीक है G8 पे, और एक मूव देते हैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए H3, और अब अगर कैप्चर करता है ब्लैक तो आप देखिए कैसा एंड गेम है, दो रुक वर्सेस क्वीन। तो यहाँ पे ब्लैक बेटर है क्योंकि पॉन तो देखिए एक ही साइड पे है बोर्ड के, तो यहाँ पे ब्लैक बेटर होता है। लेकिन ये बारीकी कि रुक H8 पे है वो इस कॉम्बिनेशन को वर्क कराता है रुक कैप्चर्स D4 को। यहाँ पे आया बी कैप्चर C4, क्वीन कैप्चर्स H8 और अब कुछ मूव बस ऐसे ही खेला गया रुक D3 और क्वीन A8 इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे आया C3, आइडिया कि हम लोग अगर आप केयरफुल हैं C2 चेक देके C1 क्वीन कर लेंगे। तो कस्पारो कहते हैं यार मैं केयरफुल हूँ इन सब में। क्वीन A4 चेक, अब देखिए आप पुश नहीं कर सकते, क्वीन कैप्चर है। यहाँ पे आया किंग E1 और कस्पारो ने खेला F4 इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। यहाँ पे आया F5, किंग C1 और यहाँ पे खेला गया रुक D2 इस पॉन को अटैक करते हुए। और कस्पारो ने यहाँ पे खेला क्वीन A7, अगर आप कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे क्वीन G1 रुक कैप्चर कर लेगा। अगला हम लोग आपका ये पॉन अटैक कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए टोपालो ने रिजाइन कर दिया और कस्पारो ने ये मैच शानदार तरीके से जीत लिया। तो ऐसी और वीडियोस आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी चेस रिलेटेड वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रही है, और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल सजेशन कमेंट कर दीजिए।